कोरोना संकट के दौरान मंदिरों के खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवोड़ सिद्धि के कपाट भी 10 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। करीब 6 महीनों बाद बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। जिला प्रशासन ने मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। फिलहाल 500 श्रद्धालु ही मंदिर में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मंदिर में कोरोना महामारी के बचाव के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है और भक्तों को मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए स्थान तय किया गया है। केवल 15 मिनट तक ही एक श्रद्धालु मंदिर के अंदर रह सकेगा। बाबा बालकनाथ मंदिर देवोड़ सिद्धि ट्रस्ट के चेयरमैन एवं डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की एसओपी के अनुसार ही मंदिर में काम किया जाएगा। इसमें जो एसओपी है इसमें इस तरह से है कि जो भी बाहर से जो लोकल लोग तो विदाउट रजिस्ट्रेशन मूवमेंट अलाउड ही हैं स्टेट में, लेकिन जो भी लोग बाहर से आएंगे उनका इंटर स्टेट जो हमारे पास ऑलरेडी कोविड-19 ई पास बन रहे हैं वहाँ इंटर स्टेट का एक ऑप्शन है, वहाँ टूरिज्म वाला उन्होंने सबसे जो ऑप्शन दिया है रिलीजन टूरिज्म, वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ऑप्शन रखा है। और उसमें अभी आईटी डिपार्टमेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं कि किस तरह तो फंक्शन है, बट जो नंबर ऑफ जो विजिटर्स हैं वो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे शुरू में किस तरह का रेस्पॉन्स है। मंदिर दोपहर के समय में 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया जाएगा और शाम को भी मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई पास लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए ई पास वेबसाइट पर जाकर लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा मास्क, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना मंदिर में अनिवार्य होगा। मंदिर में केवल 40 लोगों का जत्था ही अंदर एक बार में प्रवेश कर सकेगा और केवल गेट नंबर 1 से ही एंट्री हो सकेगी। किसी भी प्रकार का प्रसाद देने पर प्रतिबंध रहेगा और स्थानीय दुकानदारों के लिए भी एसओपी तैयार की गई है जिसके अनुसार दुकानदार अपना सामान तैयार कर बेच सकते हैं। पिलग्रिमेज जो जाएंगे अंदर एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है उसमें ब्लॉक्स में तो 15 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ टोटल उसमें लगाएंगे नहीं, ऐसे कोई इस तरह से फ्री रोमिंग विल नॉट बी अलाउड। अभी हमने लंगर फिलहाल बंद रखा है, जो गर्भगृह में अलाउ नहीं होगा, मतलब एक अरेंजमेंट किया है उन्होंने किस तरह से गेट नंबर 1 से स्टार्ट होके किस तरह से गेट नंबर 6 से उनको एग्जिट होके एक मंदिर में टेम्पल ऑफिसर के साथ और एसडीएम के साथ हमने मीटिंग की थी और उन्होंने अपना एक पूरा प्रोविजन किया हुआ है। और मतलब किसी चीज़ को जिस तरह से चढ़ावा है या फिजिकल ऑफरिंग्स हैं जिसको बोलते हैं जो प्रसाद वसाद जिस तरह वो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पुजारियों से भी थोड़ा सा रखेंगे कि एसओपी है वो तो रिलीजन जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की तरफ से भी एसओपी आई उसी कंट्रोटी में हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो शॉपकीपर्स हैं सराउंडिंग में उनके लिए भी हमने एसओपी जारी किया है, उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या मतलब दुकानों पर किस तरह से चीज़ों को करना है तो वो भी हमने इश्यू किया है। तो रख सा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।